कार न्यूज प्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। रविवार को किसनपोल बाजार जयपुर में स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इस ईश्वरीय परमात्म केंद्र के 59 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्थापना दिवस परमानंद उमंग उत्साह और अति हर्षोल्लास से मनाया। आज सुबह भोर से ही पवित्र शुभ और विश्व मंगलकारी कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम योग फिर परमपिता परमात्मा के परम ज्ञान से भरपूर मुरली के पवित्र जवानों से हुई। पवित्र और पावन इस कार्यक्रम की कड़ी में पधारे मुख्य अतिथि सुभाष गोयल और सचिन गुप्ता। जयंती बाजार व्यापार मंडल का तिलक लगाकर माल्यार्पण कर ईश्वरीय सौगात देकर एवं अति प्यारी और सुंदर युगल जोड़ी प्रभु लक्ष्मी नारायण का विग्रह चित्र फलक सप्रेम भेंट देकर आदर सत्कार किया गया। यही नहीं, इस ईश्वरीय केंद्र की मुखिया परम आदरणीय सुषमा दीदी ने सुभाष गोयल को अपने पास बिठाया है। इतना आदर मान सम्मान और प्रेम दुलार परमात्मा के बच्चों की तरह माँ बाप भाई बहन ही कर सकते हैं। वाकई यादों से कभी नहीं मिटने वाले यह सारे पल थे। इसी कड़ी में परम आदरणीय सुषमा दीदी ने अपने मुखारबीन से आशीर्वचन कहे। दीदी ने बताया कि राजस्थान का पहला स्थापित अविनाशी ईश्वरीय म्यूजियम सेंटर है। यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा पॉजिटिव एनर्जी इतनी है कि जिनका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, अनुभूति की जा सकती है। इस अद्भुत ईश्वरीय कार्यक्रम को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। जब भी स्मृति में याद करेंगे हर पल परमात्मा की अवश्य ही साक्षात अनुभूति होगी। और क्या कहा जाने, जितना कहो उतना ही कम होगा। मानो सूर्य के सामने दीपक दिखा रहे हैं। विश्व मंगल की कामना और कल्याण की भावना के साथ पवित्र पावन कार्यक्रम संपन्न। आज यहाँ का स्थापना दिवस है। मैं बहुत बहुत सभी की ओर से साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी दीदी ने बात एक कही थी, मैं आपको सच बता रहा हूँ, अपने खुद के अनुभव की चीज़ बता रहा हूँ कि वाकई एक ये कैसे चल रहा है 60 साल से मुझे पता नहीं है। शायद आपके प्रशिक्षण करते हैं या जो शुरू में कुछ भी लेते हैं, शायद 1 रुपये की फीस भी नहीं है। मैंने अभी दीदी से पूछा कि कैसे व्यवस्थाएं चलती है आपकी, प्रभु कैसे देता है, तो इन्होंने कहा कि प्रभु से मांगने की जरूरत नहीं, प्रभु आपके कर्म और आपकी व्यवस्था को अपना भी आपको पैसा दे। और सच्चाई है ये, वाकई सच्चाई बता रहा हूं कि प्रभु अपना देगा, मांगने की जरूरत